अमेरिका के तीन दुश्मन एक मंच पर आ गए हैं। ये मंच सजा है ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान और रूस के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। फारस की खाड़ी में सुपर पावर के खिलाफ तेज होती खेमेबंदी का ऐसा ट्रेलर भर बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में रूस सुपर पावर के गुट में सेंधमारी करने जा रहा है। अरब लीग के कई देश टीम पुतिन का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या ऑयल फील्ड में नया घमासान छिड़ेगा? पुतिन की तेहरान समिट के बाद टेक्टिकल टेरर का सायरन क्यों बजा है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पुतिन की शत्रु संधि अमेरिका में खलबली। असल नाम इल्यूसिन आईएल 96-300 पीयू, दुनिया भर में कुख्यात एयरक्राफ्ट नंबर 1। मॉस्को से उड़ान भर के इल्यूसिन सीधे ईरान के आसमान में दिखा। जंबो प्लेन की ये तस्वीरें तेहरान के आसमान में पहुंचने की है। एयरक्राफ्ट नंबर 1 ने जब लैंडिंग शुरू की तो तेहरान एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। प्लेन लैंडिंग के बीच दूर की हवाई पट्टियों पर दनादन गाड़ियां दौड़ने लगी। प्लेन लैंड हुआ तो पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों के सायरन का शोर दूर तक सुनाई देने लगा। तेहरान एयरपोर्ट पर इल्यूसिन की अगवानी के लिए ईरानी लीडर्स की लाइन लगी थी, क्योंकि खास मेहमान तेहरान पहुंचे थे। ये कोई और नहीं, रूस के प्रेसिडेंट और मोस्ट पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन। ईरान में पुतिन की मौजूदगी ने यूरोप से अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। रूसी राष्ट्रपति ईरान में बड़ा तहलका मचाने जा रहे हैं। टैक्टिकल टेरर, एटम बम गिरेगा किधर? रूस के साथ तुर्की प्लस ईरान, अब छिड़ेगा एटमी घमासान। फाइटर ड्रोन डील डन, सुपर पावर रह गया सन। खाड़ी में खलबली, दुनिया वर्ल्ड वॉर को चली। यूक्रेन पर 150 मिसाइलें दागने के ऑर्डर देकर मॉस्को से रवाना हुए थे प्रेसिडेंट पुतिन। यूक्रेन में जब बारूदी जलजला आया तब तक पुतिन तेहरान पहुंच गए। ईरान की राजधानी में प्रेसिडेंट पुतिन बड़े ऐलान करने के मूड में हैं, क्योंकि यहां उनके साथ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान भी डटे। मतलब अमेरिका के तीन सबसे बड़े दुश्मन एक स्टेज पर आ चुके हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने विदेश दौरे के लिए सबसे पहले ईरान को ही चुना है। इसकी वजह का खुलासा क्रेमलिन ने किया। ईरान में प्रेसिडेंट पुतिन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई से मीटिंग करेंगे। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और एर्दोगान के साथ उनकी बैठक है, जहां तीनों लीडर अस्ताना पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं। याद रहे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान को किसी भी कीमत पर एटम बम न बनाने देने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि उसके पास एटम बम बनाने का ईंधन तैयार है। इस घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलीवन ने रूस और ईरान में खतरनाक गठजोड़ की वार्निंग दी। इससे साफ है कि अमेरिका मानता है कि रूस की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के करीब। जिसके लिए ईरान ने भी रूस की भरपूर मदद की। यूक्रेन युद्ध में रूस को फाइटर ड्रोन की बड़ी खेप ईरान दे रहा है। रूस ईरान में ड्रोन डील का इनपुट अमेरिकी एजेंसियों ने पहले ही जारी कर दिया था। असल में यूक्रेन युद्ध में रूस को यूक्रेन के ड्रोन की मार झेलनी पड़ रही है। तुर्की से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने पुतिन आर्मी का धुआं धुआं कर रखा है, जिसकी काट के लिए रूस ईरानी ड्रोन मैदान में उतारने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस सिर्फ परमाणु युद्ध से दूर रहने की कवायद कर रहा है, नहीं तो ऐसा कोई हथियार नहीं जिसे अब तक यूक्रेन के अखाड़े में आजमाया ना गया हो। इसी कड़ी में रूसी फोर्स जल्द मेड इन ईरान
करार ड्रोन को वॉर जोन में उतारने जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट में फाइटर ड्रोन की डील का अनुमान अमेरिका तक ने लगाया है। ईरान के करार ड्रोन अमेरिकी फाइटर ड्रोन MQM-107 स्ट्राइकर जितने विध्वंसक माने जाते हैं। करार ड्रोन 4 मीटर का अनमैन्ड फाइटर है। इस ड्रोन के डैने 2.5 मीटर लंबे हैं। टेक ऑफ के वक्त ये ड्रोन 700 किलो का भार उठाता है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला करार की रेंज 1000 किलोमीटर है। करार ड्रोन ईरान की बनी कॉक्सर और नैसर मिसाइलों से लैस रहता है। रूसी फोर्स करार ड्रोन को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है। ब्लैक सी में यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी फोर्स की धज्जियां उड़ा रखी है। वहीं यूक्रेन के हाईटेक हथियार का तोड़ है करार ड्रोन। उधर गल्फ समिट में तुर्की अपना एजेंडा सेट करने में लगा है। एर्दोगान की कोशिश सीरिया पर रूस की तरह हमले की। तुर्की का तुगलक प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध की परमिशन लेने पर अड़ा है, वो भी इस शर्त के साथ कि अगर परमिशन मिली तो वो अमेरिकी खेमे से बगावत कर रूस को फुल सपोर्ट कर देगा। इसलिए तेहरान में जो चल रहा है उस पर दुनिया भर ने नजरें बना रखी है। खासकर अमेरिका पल पल की अपडेट ले रहा है क्योंकि उसे एक साथ 3 फ्रंट पर चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।